फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स द टेलीग्राफ वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब24 ऐप। और फ्रेंड्स, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो वाईफाई स्टडी के कोर्सेज लेना बिल्कुल ना भूलिए, जहाँ पे आपके पास में कंप्लीट सोल्यूशन मिल रहा है, घर बैठे आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बिन बात अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर है आप घर पे अपने पेन ड्राइव के साथ में, एसडी कार्ड के साथ में, ऑनलाइन के साथ में प्रिपरेशन कीजिए, जहाँ पे आपको डाउट क्लासेस, मॉक टेस्ट, वीडियो सभी कुछ आपको अवेलेबल हो रहा है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 7023336755 के ऊपर। साथ में फ्रेंड्स, वोकैब24 की जो प्राइम मेंबरशिप है उसको लेना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो डे बाय डे इंप्रूव हो। काफ़ी कुछ है जो कि आपको प्राइम मेंबरशिप में मिल रहा है, एक बार अगर आप यूज़ करने लगेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जानेंगे कि कितने अच्छे तरीके से आपके इंग्लिश को आगे लेके जाया गया है, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जो आज का पहला वोकैब है वो है अमॉर्फस, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शेपलेस, जिसकी कोई शेप नहीं होती है, उसको अमॉर्फस कहते हैं। दिशाहीन, नेबुलस, वेग, फॉर्मलेस, अनस्ट्रक्चर्ड, ये इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम्स के डेफिनेट, डिस्टिंक्ट, शेप्ड, अब यहाँ पे ही दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम्पल, द अमॉर्फस लॉज आर हार्ड टू फॉलो बिकॉज दे आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, यानी जो शेपलेस लॉज होते हैं उनको फॉलो करना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होते क्लियरली। ओरिजिन कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से है। अमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है। आपने अक्सर सुना होगा स्कूल के अंदर ज्योग्राफी की किताब में अमॉर्फस रॉक, एक रॉक होती है जो कि अमॉर्फस होती है। तो उस अमॉर्फस रॉक क्यों होती है वो? क्योंकि वो अमॉर्फस होती है, यानी कि शेपलेस होती है। अभी इसका कोई शेप नहीं है, देखिए, ओके, ना ही ये सर्कुलर है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही स्क्वायर है, ठीक है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही स्क्वायर है, ना सर्कल है। तो ये कैसी शेप की हुई? अमॉर्फस शेप की हुई। तो जो अमॉर्फस रॉक होती है ना, जो कि फ्रिक्वेंटली हम सुनते रहते हैं, वो अमॉर्फस होती है, यानी कि वो शेपलेस होती है। इस तरीके से अमॉर्फस रॉक को आप अमॉर्फस से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसकॉर्डेंट। डिसकॉर्डेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिसएग्रीइंग। तो अगर आप किससे एग्री नहीं हो, डिसएग्री में हो, ऑड्स, ओके, डिस्क्रीपेंट, कॉन्ट्राडिक्ट्री, काउंट्ररी, कॉन्फ्लिक्टिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अगर कोई भी चीज़ दो सिमिलर नहीं है तो उसको भी अपन डिसकॉर्डेंट कह सकते हैं, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या है? कॉन्कॉर्डेंट, कॉपरेटिंग, हार्मोनियस। और एग्जाम्पल, द प्रपोजल वॉज नॉट पास्ड एज मैनी मेंबर्स वर डिसकॉर्डेंट विद द वे ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कई सारे प्रपोजल पास नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पे विरुद्ध हो रहा था, लोग जो मेंबर्स हैं वो उसके विरुद्ध थे इम्प्लीमेंटेशन के। अब देखिए इसके ट्रिक डिसकॉर्डेंट की, डिसकार्ड एंड डिसकार्ड में डिसकॉर्डेंट है। तो आपने ये वाले कार्ड तो बचपन से देखे होंगे, अगर आप मार्केट में ऐसे वाले कार्ड आ गए तो डिसकार्ड और डिसकार्ड दोनों कैसे हो गए? अलग हो गए, दोनों बिल्कुल अलग हो गए, यानी कैसे हो गए? डिसकॉर्डेंट हो गए, ओके, यानी कि डिसकॉर्डेंट हो गए। तो दिस कार्ड एंड दिस कार्ड में डिसकॉर्डेंट है, यानी कि दोनों की दोनों एट ऑड्स हैं। एट ऑड्स का मतलब दोनों ही डिफरेंट हैं। कोई भी चीज़ जो कि एक जैसी नहीं हो, ठीक है, प्रतिकूल हो, विरुद्ध में हो, उसको क्या कहते हैं? डिसकॉर्डेंट कहते हैं। तो दिस कार्ड और दिस कार्ड में डिसकॉर्डेंट है, यानी कि दोनों ही बहुत डिफरेंट है एक दूसरे के, ओके। तो कोई भी चीज़ या दो पर्सन जो कि कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, अपने एक दूसरे की बात नहीं माने, ओके, एक दूसरे की बातों पर एग्री ना हो, उसको डिसकॉर्डेंट कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रिम। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वरी करना, टेंशन करना, बहुत ही सीरियस मूव बना लेना, ओके, ग्लूमी, डिप्रेस, सैड, मिलंकॉलिक, डिसमिल और डोलफुल। जहाँ पे दिस वन और डोलफुल, ये दोनों वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंटोनिम्स, ब्राइट, चेयरफुल, जॉयफुल एंड हैप्पी। और एग्जाम्पल, आफ्टर बिल वॉज अनएक्सपेक्टेडली फायर्ड, ही वॉज इन ग्रिम मूड फॉर वीक्स, यानी जो बिल था वो अनएक्सपेक्टेडली फायर्ड कर दिया गया, तो कैसे मूड में था वो? ओके, कई टाइम तक वो बड़े ही टेंशन वाले मूड में रहा, वीक्स तक। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है। गम में रहने वाले लोग ग्रिम रहते हैं। तो जो लोग गम में रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, वो हमेशा ग्रिम रंग में रहते हैं, यानी कि उनका हमेशा जो फेस है वो टेंशन में रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे गम को ग्रिम से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि गम में रहने वाले लोग ग्रिम में रहते हैं। ग्रिम में रहते हैं यानी कि बड़े सीरियस होकर रहते हैं, ओके। जो गम में रहेगा वो कभी भी हंसता खेलता आपको नजर नहीं आएगा। तो गम तो आपको पता ही है, ठीक है, कभी खुशी कभी गम वाला गम तो आपको पता ही है। ग्रिम आपने आज सीख लिया, तो आप इसे वोकैब में यूज़ कर सकते हैं, डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिंगरिंग। एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जो कोई चीज़ जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक चल रही हो, कंटिन्यूइंग, लॉन्ग लास्टिंग, प्रोलॉन्ग, परपेचुअल। और एंटोनिम्स का एंडिंग, ओके, इफेमेरल, फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव्ड। अब यहाँ पे परपेचुअल का मतलब होता है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, और इफेमेरल का मतलब होता है जो कब, जिसका एंड होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल, करप्शन हैज बीन ए लिंगरिंग इशू टू द इंडियन पॉलिटिक्स, यानी जो करप्शन है
ठीक है, वो कभी भी ऐसा इशू है जो कि कभी भी एंड नहीं होगा देश में। वर्ब फॉर्म्स क्या, लिंगर, लिंगर्ड, लिंगर्ड और रिलेटेड वर्ड क्या, लिंगर यानी कि टू स्टे इन अ कंटिन्यूअस सिचुएशन और प्लेस। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, अगर आप कभी गुरुद्वारे गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर लंगर है ना, लिंगरिंग चलता रहता है, यानी कि कंटिन्यूस चलता ही रहता है। आप सुबह के टाइम पर जाइए आपको लंगर मिलेगा, दिन में जाइए, शाम में जाइए, रात में जाइए, हमेशा वहाँ पर लंगर चलता रहता है। यानी क्या बोल सकते हैं कि गुरुद्वारे में लंगर लिंगरिंग चलता रहता है, यानी कि बड़े ही कंटिन्यू ही चलता रहता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, वहाँ पे गरीबों को, अमीरों को, सभी लोगों को खाना मिलता है, ओके, बहुत लोगों के बेनिफिट होता है उस चीज़ से, क्योंकि वो लोग कंटिन्यू रखते हैं इस चीज़ को, दिन हो शाम हो, हमेशा जो लोग आएगा उसको वहाँ पे प्रसाद या फिर जो लंगर है वो मिलेगा। तो गुरुद्वारे में लंगर लिंगरिंग चलता रहता है, तो लंगर को हम लिंगरिंग से रिलेट करके इसे हमेशा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रिस्ट टू द मिल, ये एक idiom है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो, ठीक है, यूजफुल, बेनिफिशियल, गेनफुल, efficacious, ये सब इसके सिनोनिम है, और एंटोनिम्स क्या है, डिसएडवांटेजियस हो या फिर हार्मफुल। अब देखिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जांपल देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ एमेजोनी हैज ऑलवेज बीन ग्रिस्ट टू द मिल टू द इंडियन क्रिकेट टीम, यानी जो प्रेजेंस है एमेजोनी की वो हमेशा ही फायदेमंद है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, विंड मिल हमारे देश के लिए ग्रिस्ट टू द मिल है, तो आपको पता ही है जो फॉसिल जो फ्यूल्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, हम उसको से ज़्यादा टाइम तक काम में नहीं ले सकते हैं। जो रेन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे देश के लिए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि विंड मिल हमारे देश के लिए ग्रिस्ट टू द मिल है, यानी कि बड़े ही फायदेमंद है। तो अगर आप फ्यूचर में अगर आप ये मिल वर्ड है ना, अगर आप अपने पेपर में देखेंगे ना, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये विंड मिल से रिलेटेड था और विंड मिल अपने देश के लिए फायदेमंद है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड क्या है, वो है अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट शोइंग फियर और हेजिटेशन इन द फेस ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी, यानी कि कभी आपके सामने कोई फियर आए, डिफिकल्ट टाइम आए, डेंजर आए, और उस टाइम पर अगर आपको कोई फियर नहीं है, अगर आपको हेजिटेशन नहीं है, तो उसको अनफ्लिंचिंग कहते हैं, यानी कि आप बिल्कुल निडर हो। ठीक है, अब यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम्स के अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं सारे ही। एक तो रिजोल्यूट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परसिस्टेंस भी बहुत कॉमन है, ये सब बहुत कॉमन से वर्ड है। एग्जाम्पल देखते हैं, बिकॉज जेरिड वॉज अनफ्लिंचिंग अबाउट हिज डिसीजन टू नॉट हैव चिल्ड्रन, आई न्यू ही एंड आई एंड वर नॉट डेस्टिन टू बी मैरिड, और रिलेटेड वर्ड क्या है, अनफ्लिंचिंगली, ओके, यानी कि दृढ़तापूर्वक। अब देखिए एग्जाम्पल का पहले अपन इसको हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, जेरिड कैसा है, बहुत ही निडर है अपने डिसीजन को लेकर कि वो बच्चे नहीं करेगा, इसीलिए मैं और वो हम दोनों जानते हैं कि हमारी किस्मत में मैरिज होना नहीं है। अब देखिए इसकी ट्रिक बड़ी आसान है, एरन फिंच अनफ्लिंचिंग होके बैटिंग करते हैं। तो एरन फिंच के बारे में आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग बैट्समैन है, बहुत ही उम्दा बैट्समैन है, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, ठीक है। तो एरन फिंच कैसे होकर बैटिंग करते हैं, अनफ्लिंचिंग बैटिंग करते हैं, चाहे आप उनके ऑस्ट्रेलिया टीम के 20 रन पर 4 विकेट गिरा दीजिए, लेकिन जो एरन फिंच है, जो ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, ये अनफ्लिंचिंग होकर खेलते हैं, ओके, यानी कि निडर होकर खेलते हैं, इनको एक डर नहीं होता कि हम भी आउट हो जाएंगे। तो एरन फिंच को हम फ्लिंचिंग से लेट करके, अनफ्लिंचिंग से लेट करके इसे याद कर सकते हैं कि एरन फिंच अनफ्लिंचिंग होकर खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम अनफ्लिंचिंग वर्ड को याद कर सकते हैं जिसका मतलब होता है निडर। नेक्स्ट है इन एडवर्टेंटली, इन एडवर्टेंटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है विदाउट इंटेंशन या फिर एक्सीडेंटली, ठीक है, यानी कि कोई भी काम जो कि असावधानी से किया हो, गलती से किया हुआ हो, अनजाने में किया हुआ हो, उसको इन एडवर्टेंटली कहते हैं। एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनली, रेकलेसली, रैशली, इन एन अनप्लान मैनर, ये सब इसके सिनोनिम है, और एंटोनिम्स क्या है, इन इंटेंशनली, इन ए प्लान मैनर। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ वंडरफुल टू नो दैट हाउ मेनी इन एडवर्टेंट इन्वेंशंस वर डेवलप इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू डिस्कवर समथिंग टोटली डिफरेंट, यानी कि ये बड़ा ही वंडरफुल है जान के, आपको बड़ा अजीब लगेगा कि अनजाने में कई सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है, ओके, और वो करना क्या चाह रहे थे, कुछ किसी दूसरी चीज़ को ही डेवलप करना चाह रहे थे। अब देखिए इसके रिलेटेड वर्ड, इन एडवर्टेंट यानी कि नॉट इंटेंशनल, और ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से है। अब इसकी ट्रिक देखिए बड़ी आसान है, एड वर्ल्ड में इन एडवर्टेंट गलती हो जाती है, तो एड वर्ल्ड में इन एडवर्टेंट गलती हो जाती है, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड है, अगर आप गूगल करके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐड हैं, ओके, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के, जहाँ पे गलतियाँ हो जाती है, कैसे हो जाती है, इन एडवर्टेंटली हो जाती है, यानी कि अनजाने में गलती हो जाती है, ठीक है। अब ये देखिए, कोई माइक्रोसॉफ्ट का था, उसने कुछ, ओके, विंडोज़ को विंडोज बना दिया, तो यहाँ पे उसने कुछ और लिखना चाह रहा था लेकिन कुछ और लिख दिया, तो एड वर्ल्ड में इन एडवर्टेंटली गलती हो जाती है, यानी कि अनजाने में गलतियाँ हो जाती है। तो एड को हम इन एडवर्ट से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि एड वर्ल्ड में इन एडवर्टेंटली गलती हो जाती है, यानी कि अनजाने में गलती हो जाती है।
नेक्स्ट है सबड्यू, जिसका मतलब होता है उदास होना, क्वाइट होना, ओके, डिप्रेस होना, सॉम्बर, डाउनकास्ट, डिप्रेस, लो, ग्लूमी, डेस्पोडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट देखिए, डेस्पोडेंट इंपॉर्टेंट है, सॉम्बर इंपॉर्टेंट है, और एंटोनिम्स क्या है, चेयरफुल, एनिमेटेड, ओके। और एग्जाम्पल देखिए, द सबड्यू नेचर ऑफ द इकोनॉमी मैनिफेस्ट द रॉन्ग अडॉप्टेड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो ये उदासी जो नेचर हो रखा है इकोनॉमी का, ठीक है, ये मैनिफेस्ट क्या कर रही है, रॉन्ग अडॉप्टेड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की रॉन्ग अडॉप्टेड पॉलिसीज। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, सबका ड्यू रखेगा तो कभी भी फाइनेंशियल कंडीशन सबड्यू नहीं हो पाएगी। तो अगर आप सबके पैसे ड्यू रख रहे हैं, ओके, आप सबके पैसे नहीं दे रहे जिनसे आपने लिए हैं, तो आपकी कभी फाइनेंशियल कंडीशन सबड्यू नहीं रह पाएगी, यानी कि कभी भी कम नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को नीचे लेके जाना, कम करना, आप देख सकते हैं सबड्यू का मतलब लो भी होता है, यानी कि कम करना, ठीक है। तो सबका ड्यू रखोगे अगर आप, तो कभी भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सबड्यू नहीं हो पाएगी, यानी कि कभी भी कम नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एफर्वेसेंट एक अच्छा वर्ड है, यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है एंटोनिम्स के अंदर, एफर्वेसेंट, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबका ड्यू रखेगा तो कभी भी फाइनेंशियल कंडीशन सबड्यू नहीं हो पाएगी, यानी कि कम नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है इरेटिक, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट इवन और रेगुलर इन पैटर्न और मूवमेंट, अनप्रिडिक्टेबल, तो कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत ही अनियमित है, अस्थिर है, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, जो कंसिस्टेंट नहीं है, बार बार चेंज हो रही है, उसको इरेटिक कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम बड़े आसान है, एंटोनिम भी बड़े आसान है, और एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन द पुलिस ऑफिसर सॉ द गर्ल ड्राइविंग हर स्कूटर इन एन इरेटिक मैनर, ही पुल्ड हर ओवर टू क्वेश्चन हिम, यानी कि जब पुलिस ऑफिसर ने देखा कि एक लड़की ड्राइविंग कर रही है बड़े ही इनरेगुलर तरीके से, तो उसने उसको रोक लिया क्वेश्चन करने के लिए। रिलेटेड वर्ड क्या है, इरेटिकली, यानी कि अनियमित ढंग से। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, आप मेहनत करते जाओगे तो क्रिटिक भी इरेटिक हो जाएंगे, तो यानी कि अगर आप मेहनत करते ही जाएंगे, देखिए कई बार ऐसा होता है कि सबकी किस्मत साथ नहीं देती है, कोई होता है कि एक बार में पेपर क्लियर कर लेता है, कोई दो बार में, कोई तीन बार में, कोई चार बार में, लेकिन जब दो या तीन बार से जब ज़्यादा पेपर दे देते हैं तो लोग फिर आपके जो क्रिटिक हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्रिटिक आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, ठीक है, दिन ब दिन, और वो यही आपका टाइम होता है पेशेंस का, पेशेंस जज करने का। तो उस टाइम पे अगर आप मेहनत करते जा रहे हैं ना, तो क्रिटिक भी एक वक्त आएगा जब इरेटिक हो जाएंगे, यानी कि बड़े इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि कब तक कोई किसी को बोल सकता है। अगर आप अपने एडमेंट हैं अपने फैसले के ऊपर कि मुझे तो पेपर निकालना है, चाहे वो बैंक का हो, SSC का हो, जो भी आपका मोटिव हो, तो अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा जब क्रिटिक भी इरेटिक हो जाएंगे, यानी कि अस्थिर हो जाएंगे, वो बोलना ही बंद कर देंगे आपको कि ये तो नहीं मानेगा और ये पेपर निकाल करेगा, और आप पेपर निकाल लेंगे, ओके। तो इस तरीके से क्रिटिक को हम इरेटिक से लेट करके इसे याद कर सकते हैं कि अगर आप मेहनत करते जाओगे तो क्रिटिक भी इरेटिक हो जाएंगे, इरेटिक यानी कि अस्थिर हो जाएंगे। नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड है ब्रिंग अबाउट, जो कि फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू कॉज समथिंग टू हैपन, तो किसी भी चीज़ को गिव राइज टू, किसी भी चीज़ को होने देना, ओके, किसी चीज़ को बढ़ा देना आगे, घटित करना, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रिंग अबाउट कहते हैं, फ्रेजल वर्ब है। अब देखते हैं इसका सिनोनिम, गिव राइज टू, मेक हैपन, एंडेंजर, ओके, इफेक्चुएट, और एंटोनिम्स क्या है, हॉल्ट या फिर स्टॉप। अब एग्जांपल देखते हैं, द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन ब्रॉट अबाउट ए ह्यूज शिफ्ट इन पीपल मोबिलिटी, यानी जो इन्वेंशन हुआ इंटरनल कंबशन इंजन का, उससे एक बहुत बड़ा शिफ्ट मिल गया लोगों की मोबिलिटी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एंडेंजर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका मतलब भी यही है, कोई चीज़ का होने देना। वर्ब फॉर्म्स क्या है, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग, ब्रॉट अबाउट एंड ब्रॉट अबाउट। अब देखिए इसके ट्रिक कितने आसान है, अच्छे बॉलर ब्रिंग नहीं ब्रिंग अबाउट किए जाते हैं, तो देखिए कोई भी अच्छे जो बॉलर्स होते हैं ना, वो कहीं से ब्रिंग नहीं किए जाते, उनको बनाया जाता है, ओके, उनके ऊपर मेहनत की जाती है। अगर आपको ज़हीर खान जैसे बॉलर चाहिए तो आपको बेस लेवल से मेहनत करनी पड़ेगी, स्कूलिंग के लेवल पे आपको बच्चों को प्रमोट करना पड़ेगा, अच्छे पिचेस देने पड़ेंगे ताकि वो अच्छी बॉलिंग कर सके, ठीक है। तो ब्रिंग अबाउट करना पड़ता है आपको, उस चीज़ को मेक हैपन, आपको उस चीज़ को राइज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इस वोकैब को याद कर सकते हैं कि अच्छे बॉलर ब्रिंग नहीं ब्रिंग अबाउट किए जाते हैं, यानी कि आपको उनको बनाना पड़ता है, ओके, यू नीड टू मेक हैपन, ऐसा नहीं कि आप कहीं से ब्रिंग कर लेंगे इस टैलेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ब्रिंग को ब्रिंग अबाउट से लेट करके इसे याद कर सकते हैं हमेशा के लिए, कि अच्छे बॉलर ब्रिंग नहीं ब्रिंग अबाउट किए जाते हैं, ओके। तो ये आज के 10 वोकैब थे फ्रेंड्स आपके लिए, और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका सही आंसर है फेक, कोई भी चीज़ जो कि जेन्युइन नहीं होती है उसको शैलेंटर कहते हैं, इसका मतलब होता है फेक, ओके। और साथ में आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है जो कि आपको आंसर करना है, चार ऑप्शन में से, वो है अटैरेक्सी, अटैरेक्सी का आपको सही मीनिंग बताना है कमेंट करके, और साथ में मैच द कॉलम से डिस्कस करते हैं कि आज हमने कैसे याद किया इन सभी को। और पहला जो हमारा वर्ड था वो था अमॉर्फस, अमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस, ठीक है, तो अमॉर्फस रॉक क्या होती है, अमॉर्फस होती है। दूसरा डिसकॉर्डेंट,
ओके, तो डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या था कि दिस कार्ड एंड दिस कार्ड दोनों डिस्कॉर्डेंट है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। ग्रिम, ओके, तो जो गम में रहते हैं वो ग्रिम फेस रहते हैं, यानी कि बड़े सीरियस रहते हैं। लिंगरिंग, लंगर गुरुद्वारे में लिंगरिंग चलता रहता है, यानी कि कंटिन्यू चलता रहता है। ग्रिस टू द मिल, विंड मिल हमारे देश के लिए ग्रिस टू द मिल है, यानी कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अनफ्लिचिंग, एरोन फिंच अनफ्लिचिंग प्लेयर है, यानी कि बहुत ही निडर प्लेयर है। इन एडवर्टेंटली, तो इन एडवर्टेंटली यानी कि एड वर्ल्ड में इन एडवर्टेंटली गलतियाँ होती रहती हैं, यानी कि जाने अनजाने के अंदर गलतियाँ होती रहती है। सब ड्यू, अगर आप किसी का ड्यू रखोगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी सब ड्यू नहीं हो पाएगी, यानी कि कम नहीं हो पाएगी। इरेटिक, ओके, अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो क्रिटिक आपके इरेटिक हो जाएंगे, यानी कि अनियमित हो जाएंगे। ब्रिंग अबाउट, अच्छे बॉलर ब्रिंग नहीं ब्रिंग अबाउट किए जाते हैं, यानी कि उनको उनको बनाया जाता है, उनको मेक हैपन, ओके, यू नीड टू मेक हैपन, तो उस चीज़ से हम ब्रिंग को ब्रिंग अबाउट सेलेक्ट करके हमने इसे याद किया था। ओके, तो ये आज के अपने 10 वो क्या थे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, और साथ में आज आपको जो ट्रिक बनानी है वो है बूलियन की। बहुत ही अच्छा वर्ड है, उम्मीद है कि आप इस वर्ड को अच्छे से याद करेंगे, इसके अच्छे से ट्रिक बना के भेजेंगे ताकि सभी को बेनिफिट हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।